তো কোন ধরনের অ্যান্টি ফাঙ্গাল অ্যান্টি ফাঙ্গাল জি ক্লোরটিমেজোল ইশা নুমাই ওয়া ওয়া গয়ে ও ডাক্তার হ্যাঁ স্যার কাল মেনি ডাইরেক্ট স্যার সরবাল নি জয়েন কিয়ে স্যার সরবাল নি স্যার তো যাতে বলতে জয়েন আপ দে মুঝে বাতাও কি হ্যায় ইয়াহ তো ইয়াহ পর স্যার তিন ডক্টর সে জয়েন কিয়ে স্যার স্যার বলা আপনি আসলি পায়া হুম বাকি চার সে চিফ চার সে ডক্টর নে জয়েন কিয়ে আয়ুষ্মান মে আপ বহুত পিছে डॉक्टर आ गए नए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपकी बहुत बहुत इनको और डेंटल चेयर के लिए मैंने इनको बहुत बहुत शुक्रिया सर नहीं आज नहीं कर रहे हैं अच्छा जी सर उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको सर उसमें क्या होता है सर कि जैसे कोई बर्फ पड़ गई या कुछ सर इस टाइम हम एसेंशियल जो भी सप्लाईज है उनका जायजा लिया है क्योंकि यहाँ भी बारी बर्फबारी हो रही है और लोगों से भी मिले हैं लोगों के कुछ शिकायतें जो ग्रीवियंसेस थे उनको भी एड्रेस किया जो पानी के लिहाज से रेशन या बिजली या सड़क के लिहाज से रोड क्लियरेंस के लिहाज से भी और मुनासिब हिदायत दी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी यहाँ है कि जो भी हमारे ऑफिसर्स हैं तो उनको उनसे यही एडवाइस दी कि लोगों को जो भी मैक्सिमम फैसिलिटी है उनको अवेलेबल रखी जाए जहाँ तक हॉस्पिटल का जिक्र है हॉस्पिटल में भी मेरे साथ सीएमओ था उन्होंने कहा कि वहाँ भी हीटिंग का मुनासिब अरेंजमेंट किया जाए और वहाँ हमने डेंटल चेयर के लिए भी 1.5 लाख रुपए दिया है और बाकी ताकि लोगों को वहाँ वो चेयर जो थी डेंटल चेयर वो एब्सोल्यूट हो गई पुरानी हो गई है तो मैंने फौरन अनटाइम से उनको भी 1.5 लाख रुपए वहाँ दिया वही सीएमओ को और बाकी जो हमने जायज़ा लिया और हमारे तहसीलदार को यहाँ सनासर में अभी बर्फबारी काफ़ी हुई है तो मैकेनिकल डिवीजन से भी बात हुई कि फौरन वो सड़क सड़क का रास्ता कनेक्ट कर ले ताकि लोगों को फैसिलिटी रोड कनेक्टिविटी के हिसाब से भी मिले शुक्रिया